है हमारी आगे पाव भाजी, साथ में पाव है, भाजी, सलाद, और ये है स्नेहा खा रही है चाट, टिक्की चाट। हम जर्मन बेकर्स पे आ रखे हैं पेस्ट्री लेने। चलो चलो चलो, मम्मी सो चुकी है देखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ अच्छे होंगे। कल हमारी मम्मी जी का बर्थडे है, तो आज हम रात को केक काटेंगे, उन्हें सरप्राइज करेंगे केक काट के। तो फिलहाल अभी हम देहरादून जा रहे हैं। ये देखिए स्नेहा अभी तैयार हो रही है, अभी चाय उसका नाश्ता चल रहा है। हेलो गाइस, नाश्ता नहीं करा अभी तक? नहीं, अब कर रहे हैं। नाश्ते का टाइम मैं दिखा देता हूँ कितना टाइम हो रहा है। देखो 11:14 हो रही है, नाश्ते का टाइम है। बहुत से लोग इस टाइम लंच कर लेते हैं। तो हम जा रहे हैं देहरादून। देहरादून में हमें छोटा सा काम है, स्नेहा का आधार कार्ड था जो मैरिज से पहले का था, उसमें पहले तो डेट ऑफ चेंज करानी थी, वो हमने करा ली थी। तो उन्होंने कहा था कि दोबारा आपको करना पड़ेगा, इसमें अब फादर की नेम जगह हस्बैंड का नेम आएगा और एड्रेस चेंज होगा। इसलिए अब वो जा रहे हैं फॉर्म भरने, फिर फॉर्म भर के आ जाएंगे। और कुछ मम्मी के लिए पल्टर मजार देहरादून में फेमस है, आपको पता होगा शायद, नहीं तो आप नेट पर सर्च करिए देहरादून का फेमस पल्टर मजार। एक पूरी मार्केट है, वहाँ सिर्फ पैदल जा सकते हैं। यहाँ जाएगी वहाँ पर, आपको व्लॉग दिखाएगी। गाड़ी करने की खड़ी करने की जगह नहीं होती, मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ क्योंकि पार्किंग का बड़ा इशू है। तो इसलिए आपको जाके दिखाएगी वहाँ पर कौन कौन सी कौन ड्रेस लेती है, क्योंकि उन्हें कल गिफ्ट भी करना है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। आप घर में हमारे पास सिस्टम 3 अलमारी है, जिसमें एक निमृत की है और 2 अलमारी मतलब हमारी है, हमारी में सिर्फ स्नेहा की है। मैं अपने कपड़े दिखाता हूँ। ये देखिए पूरी है, इस साइड का जितना पोर्शन देख रहे हैं सारी स्नेहा का है। ये अलमारी जो है निमृत की है, इसको तो हम नहीं छेड़ते। ये एक अलमारी है पूरी, इसमें भी स्नेहा के कपड़े हैं इसके अंदर सारा। ये देखिए, ये ऊपर भी स्नेहा के कपड़े हैं, ये नीचे भी स्नेहा के कपड़े हैं। सिर्फ इतना पोर्शन हमारा है अभी भी नहीं। ये देखिए, ये बेड है पूरा, ये बेड में सिर्फ हमारा उधर का खाना, जो मतलब 4 इसमें कंपार्टमेंट होते हैं उधर का हमने ले रखा है। 3 कंपार्टमेंट स्नेहा के हैं। रुकिए, अभी और भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो इस बेड के अंदर है, अभी इसके नीचे डाल रखे कंपार्टमेंट के अंदर। फिर भी कहती रहती मेरे को कपड़े नहीं, कहीं भी जाना होता कहती मेरे को कपड़े नहीं, क्या पहन के चलूँ? आपको पता लड़कियों की आदत क्या है, कपड़े लेके रखती रहेंगी और भूलती जाएंगी उन्हें रख के, बस उसके बाद यूज़ नहीं करना, एक बार पहनना 2 बार बस उसका छोड़ देना है। फिर भी शिकायत रहती है कपड़े नहीं है। देखो क्या कह रही हो, एक काम करता हूँ, जितने कपड़े पड़े सब मैं आग लगा देता हूँ ना, फिर नए ले लेना। फिर मेरे को भी तसल्ली हो जाएगी ना कि हाँ सच में नहीं है, अभी तो इतने सारे पड़े हैं। हैं? जितने में आग लगाओगे काउंट करके उतने ही खरीदना। तो इतने कपड़े हैं, रोती रहोगी जब देखो। चलिए फिर हम यहाँ से निकलते हैं और फिर आपको सीधा गाड़ी में मिलते हैं। बच्चे अभी स्कूल जा रखे हैं, वो तो आएंगे, उनकी छुट्टी 2 बजे होगी, उन्हें 2 बजे लेने जाएंगे। तो जब तक हम शायद लौट भी आएंगे और फिर 7 बजे ले आएंगे उन्हें अगर टाइम हो गया तो, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। देहरादून जाने में ही अराउंड 45 मिनट लगते हैं, फिर वहाँ पे भी काम पता नहीं कितना टाइम लगता है, फिर पल्टन बाजार जाना है, फिर वहाँ से आते आते शायद टाइम हो जाएगा, तो उन्हें लेते आएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं। देखो अभी तक इधर से उधर नाच रही है, तैयार नहीं हो रही है। टाइम देखो 24:30 होने वाले हैं, हमारे 5 मिनट आधे घंटे के बराबर होते हैं। लड़कियों की बहुत बुरी आदत है, पता नहीं क्या तैयार होने में लगाते हैं। अच्छा हमें देखो तैयार होकर बैठे हैं, 2 मिनट लगते हैं बस तुरंत। क्रीम पाउडर हम भी लगाते हैं, क्रीम पाउडर हम भी लगाते हैं, सब कुछ कपड़े पहनने हैं। इनको देखो अभी मेकअप थोपेंगे, सब कुछ करेंगे। हाँ हेयर फॉल हो रहा, हो गई हमारे बाल बड़े हो गए पहले से, फिर से आधे कटवा देते हैं इसमें ना। और अच्छा अच्छे तो लग रहे हैं, छोटे बालों का फैशन चल रहा है। सब बोलेंगे तभी कौन सब बोलेंगे, ठीक है सबको मैं 500-500 रुपए की पत्ती दूंगा, सब बोलेंगे ठीक है। फिर तो कटवा लोगे ना, ठीक है। अभी इसके पहले यहाँ तक बाल आते थे कमर तक, मैंने जबरदस्ती कर करके कटवाए, यहाँ तक करवाए थे इसके, और फिर भी यहाँ तक कमर तक आने लग गए बाल, बड़े हो गए। मैंने कहा लुक चेंज करते रहना चाहिए बहुत कम से कम, नहीं तो जब से मैं मिला हूँ तब से बड़े बाल ही देख रहा था मैं। अभी मेरे जाने के बाद ही छोटे बाल कटवाए इसने, नहीं, तो बड़े ही कह रहा हूँ मैं, तो मेरे से पहले रखे होंगे ना, जब मैं मिला हूँ उसके बाद से मैंने बड़े ही देखे हैं बाल।
एक मैं जब स्टार्टिंग में घुंघराले बाल थे उसका स्ट्रेट कराए फिर लंबे ही चलते गए, तो तब घुंघराले भी बड़े ही थे, छोटे तो ना थे मेरे से। जब से मेरे से मिले हो तब मैंने ही कटवाया पहली बार था छोटे बाल, अब फिर बड़े हो गए। देखो मैंने बड़े पहले छोटे ही, पैसे तो ऐसे लेके जा रही हो जैसे सारा खर्चा तुम ही करने वाली हो। नहीं नहीं, कितना टाइम लग रहा है? बस तुम्हारा तो 5 मिनट हो गए। चले वेट करते हैं, क्या करें, इनका तो आदत है। ये देखिए हमारी मम्मी जी, क्या बनाया आज? कद्दू की सब्जी। हाँ मैं दिखा देता हूँ, आज कद्दू बनाया है। मीठा कद्दू है ये, तो दूसरा वाला कद्दू है। मेरे को इतना कद्दू पसंद नहीं आता, ये वाला मीठा कद्दू मैं फिर भी खा लेता हूँ। तो अभी भी घूम ही रहे हैं घर के अंदर, अभी तक तो निकले नहीं हम बाहर, देखते हैं कब निकलते हैं बाहर। धूप धूप धूप, आज काफ़ी दिनों बाद धूप निकली है। तो मानसून चल रहा है, एकदम बादल रहते हैं, बादल तो अभी भी दिख रहे होंगे आपको, और आज थोड़ी देर के लिए धूप आ रखी है। काफ़ी अच्छा लग रहा है धूप देख के, पर धूप आते ही ह्यूमिडिटी हो गई है, गर्मी बढ़ गई एकदम से। पर काफ़ी अच्छा ठंडा मौसम है इस टाइम। अगर आपको कोई भी व्लॉग देख रहा है उत्तराखंड से बाहर, अगर आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं उत्तराखंड। इस टाइम बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, खास करके अगर माउंटेन्स में जाते हैं आप। अभी हमने नैनीताल सीरीज़ देखी हुई हमारी, कितना अच्छा वेदर था वहाँ पर भी। अगर आप इस टाइम मसूरी की तरफ भी जाएंगे पहाड़ों पर, तो बादल एकदम नीचे आके मिलेंगे आपको। जिसको भी आना चाहते हैं उत्तराखंड आ सकते हैं, बिल्कुल वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। उत्तराखंड में मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। हम लोग आ गए थे आधार कार्ड के केंद्र में, ये सब्जी मंडी के पास पड़ता है, GMS स्टोर के पास में। तो अभी वेटिंग चल रही है, हमारा नंबर है 199 चल रहा है, और अभी सामने देखिए आप अभी 108 चल रहा है। वेट करते हैं थोड़ा, फिर आता है नंबर, यहाँ से फ्री होते हैं, फिर मिलते हैं आपको चल के। हम निकल गए हैं, हमारा काम हो गया है। पिछली बार जब आए थे निमृत का करवाने, उतना टाइम नहीं लगा था, खाली था इस टाइम, थोड़ी भीड़ थी इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, आधा घंटा लग गया हमें करीब, है ना? आधा घंटा ही लगा होगा, आधा घंटे से ऊपर लगा है, आधा घंटा से ऊपर लगा, आधा घंटा लगे। हम 12 बजे आ गए थे, 1 बज गए, 1 घंटा, 1 घंटा लग गया। हां 1 घंटा लगा। तो बस अब सोचा था पल्टन में जाने के लिए, पर बच्चों का स्कूल का टाइम भी हो रहा है, उन्हें भी लेना है, तो फिर पल्टन में जाकर हम कल का रखेंगे, कल जाएंगे, कल दिखाएंगे पल्टन में जा आपको। कल हमने वैसे भी आना ही है देहरादून, क्योंकि मम्मी का बर्थडे मैंने बताया था, तो थोड़ा घूमने फिरने आएंगे, तो प्रेमनगर में जाएंगे, वहाँ भी सेलिब्रेट करेंगे। कल ही ले लेंगे फिर हम पल्टन में जाकर, उनके लिए गिफ्ट वगैरह लेना है। तो फिलहाल अभी हम वापस चल रहे हैं, तो थोड़ा हमें बाज़ार से घर सामान लेना है होटल का, और थोड़ा घर का सामान लेना है, वो लेते हैं, फिर बच्चों को लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बाकी आप रास्ते में देखिए, आपको दिखाते चलते हैं कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं। वैसे ये वाला जो आधार कार्ड था, ये ठीक सब्जी मंडी वाली जो रोड है देहरादून की, जो सबसे बड़ी सब्जी मंडी है, उसी रोड पे आएंगे आप GMS रोड की तरफ, जो कनेक्टेड रोड दे रखी है उसी रोड पे ही है ये सबसे बड़ा आधार कार्ड केंद्र है। तो आप यहाँ आके आराम से, अगर किसी को लोकल देख रहा है तो करा सकते हैं अपडेट, इतना टाइम नहीं लगता है। और जगह तो छोटे छोटे उन्होंने ऑफिस बना रखे, तो वहाँ बहुत टाइम लगता है। एम्बुलेंस आ रही है, ज़रा साइड दे देते हैं पहले, जाओ अभी एम्बुलेंस को मुझे साइड देनी चाहिए, क्योंकि एमरजेंसी बहुत ज़्यादा होती है इसमें। ये बाकी मौसम देखिए कितना बढ़िया हो गया है, बादल फिर से आ गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब घर से निकले धूप थी, अब फिर बादल आ गया। अब तो स्नेहा श्रीवास्तव से स्नेहा कौर होगी, तो वैसे तो 5 साल पहले ही हो गई थी, अब आधार कार्ड पे भी होगी। अब सारे चेंज करवाने पड़ेंगे, सारे अब सारे होंगे, पैन कार्ड भी होगा और वोटर आईडी भी होगी, और उसका अब ड्राइविंग लाइसेंस जो था मैडम ने पुराना वाला फाड़ के फेंक दिया, ये भी कि नंबर संभाल के रख ले, अब वो दोबारा से बनवाना पड़ेगा। तो उसके लिए अब स्नेहा को गाड़ी सिखानी पड़ेगी, तो पहले गाड़ी सीखेगी फिर लाइसेंस बनेगा स्नेहा का। ये देखिए आ गया आपका लाल पुल आ गया है, ये लाल पुल के नाम से फेमस जगह है। इधर से आपको इंट्रेस हॉस्पिटल के लिए रास्ता निकालता है, उसी रास्ते से जाएंगे, ये रास्ता ठीक पड़ता है, शॉर्ट पड़ता है, और सीधा चल जाएंगे तो सहारनपुर चौक आ जाएगा, फिर आगे जाके रेलवे स्टेशन आ जाएगा। और ये पीछे की तरफ से आ रहे हैं, सीधा सहारनपुर रोड जा रही है, ISBTO के सहारनपुर जा रही है सीधा। यहाँ देखिए कितना जाम लगा हुआ है। ये देखिए सामने BSNL का ऑफिस है, जो यहाँ का सबसे हेड ब्रांच है, ये पूरी हेड ब्रांच है यहाँ की, BSNL का ऑफिस है, एयरटेल का भी है, मेन ब्रांच, सारे मेन ब्रांच इधर ही है, एयरटेल भी हो गया, और कौन कौन से है? स्नेहा ने पहले यहाँ पे जॉब करी है, क्या कहते हैं, जब शादी से पहले स्नेहा जॉब करती तो इधर ही काफ़ी जॉब की है स्नेहा ने, इसको ज़्यादा पता है इधर का। नोकिया का भी था, है मतलब नोकिया तो बंद हो गई थी, अब दोबारा शुरू हुई है, नहीं स्टार्टिंग से ही है यहीं पे।
मेन इंद्रेश हॉस्पिटल भी इसी रोड पे, अभी रास्ते में दिखेगा इंद्रेश हॉस्पिटल पड़ेगा। दैनिक जागरण भी है? अच्छा, ये सामने दैनिक जागरण का है न्यूज़पेपर, तो पढ़ते हैं दैनिक जागरण, उसका ये मेन वो है हेड ऑफिस। ये देखिए इंद्रेश हॉस्पिटल आ गया, मेन एंट्रेंस यही है, श्री महान इंद्रेश हॉस्पिटल इसका पूरा नाम। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट वगैरह भी है, साइड भी मेडिकल कॉलेज वगैरह है, मेन हॉस्पिटल ये है। और ये जितना इधर मेडिकल कॉलेज है इसी का, इंद्रेश हॉस्पिटल का। और आगे एक रूराम नायगी भी यूनिवर्सिटी आगे, देखिए यहाँ लेके आई है स्नेहा लस्सी लेके आ रखी है और चॉकलेट खाई जा रही है यहाँ पे। भूख लग रही है और प्यास भी। लामूल की लस्सी अच्छी है वैसे, 20 रुपये में ठीक मिल जाती है और टेस्ट भी अच्छा है इसका। स्पीटी वाली रोड पे आ गए हम, बहुत जाम लग रहा है इस टाइम, फिर से धूप निकला है, मिनटों में मौसम चेंज हो रहा है, बादल भी है ही है ऊपर। हम पहुंच गए स्कूल में बच्चों को लेने के लिए, 5 मिनट बचे हैं अभी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, धूप निकल आई फिर से। ये देखिए सामने स्कूल है, बच्चों का अभी छुट्टी हुई नहीं है, बादल इतने बीच बीच में धूप आ जा रही है फिर चली जा रही है। अरे मैडम कुछ फ़ोन में लगी हुई है देखने को, क्या देख रही हो तुम? फूलों की घाटी? कपड़े नहीं थे ना, पता है कपड़े नहीं थे, कपड़े देखती रहोगे क्या? मैं आपको एक खुशखबरी दे देता हूँ, और हमारे एक ट्रिप और शुरू होने वाला है, पर वो लोकल ट्रिप है, पर अच्छा लगेगा आपको क्योंकि ये टाइम चल रहा है, अभी चल रहा है अगस्त और सेप्टेम्बर, और इस टाइम सबसे बेस्ट टाइम है जाने का फूलों की घाटी। तो हम फूलों की घाटी जा रहे हैं जो बद्रीनाथ के पास पड़ता है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, बहुत मज़ा आने वाला है वहाँ पे, बहुत अच्छे व्यूज़ होंगे। तो मैंने कहा आपको एक बार बता दूँ, इन्फॉर्मेशन दे दूँ, हम करीब अभी 10 दिन बाद हम वहाँ की जर्नी शुरू करेंगे, 15 तारीख से ये हम तैयारी कर रहे हैं अपने, थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग कर रही है जाने के लिए। और वहाँ वैसे ही बारिश होगी, फिर हमें रेनकोट वगैरह भी लेने पड़ेंगे, वहाँ रेनकोट तो पहन के जाना पड़ेगा क्योंकि ट्रैक है, 14 किलोमीटर का ट्रैक है, तो वो तो हमें करना पड़ेगा ट्रैक। बस अब छुट्टी होती है आते लेते हैं, तो अभी हमने एक प्लान और बना रखा है, जो अभी 2 दिन बाद हम एक मसूरी का व्लॉग आएगा आपके पास, उसमें मसूरी में दिखाएंगे जो कहाँ पे जा रहे हैं हम गुंजन, तुमने प्लान बना रखा ना वो है, एक हम जा रहे हैं दलाई हिल्स है ना, दलाई हिल्स जा रहे हैं और जॉर्ज एवरेस्ट, वहाँ भी हमें तो ट्रैकिंग करेंगे। अभी तक हमने दलाई हिल्स वगैरह नहीं दिखाया, बहुत पॉपुलर प्लेस है मसूरी में, अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब, उसमें यूट्यूब में भी सर्च करेंगे या गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत सारी वीडियोज़ बनी हुई है उसकी यूट्यूब में, और नेट पे भी दिखा रखा है। पहले इतनी पॉपुलर नहीं थी, अभी कुछ रिसेंट सालों में 4-5 सालों में बहुत पॉपुलर हो गई है, तो दलाई हिल्स के नाम से फेमस जगह है, बुद्धिस्ट जो लोग होते हैं उनका वहाँ पे टेंपल है, तो शंकर भगवान का भी टेंपल है, वो अलग जगह है शंकर भगवान का, वहाँ पे दलाई हिल्स में बुद्धिस्ट उनका टेंपल है, बहुत अच्छा, अभी 4-5 सालों में बहुत फेमस हुई है, उभर के आई है ये जगह। तो हमने कहा वहाँ का भी ब्लॉग बना देते हैं, फिर हम प्लस जॉर्ज एवरेस्ट जा रहे हैं जहाँ पे क्लाउड सैंड भी बोलते हैं, क्लाउड्स आते हैं नीचे एकदम, वो तो आपने अभी नैनीताल में भी देखे होंगे, तो वो भी फेमस जगह है, तो वहाँ पे जाएंगे। तो बस बच्चों को लेके आते हैं, फिर उसके बाद आपको मिलते हैं गाड़ी में, उनको लेके आके उनको दिखा, उनसे बातें करते हैं फिर। देखो निमृत क्या देख रहा है, वहाँ पे फ्रूट के डब्बे वगैरह पड़े हुए हैं, ये पूछ रहा है क्या है। अब हमने पी लिया अकेले अकेले, कैसा रहा गुल्लू स्कूल? पढ़ाई क्या करी तुम लोगों ने आज? नहीं लेके आ, लेके आ, लेके आ। ये देखो मार रहा है स्नेहा को, रोटी पीनी है, दोनों डंडा नहीं पी, कद झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। मैंने चॉकलेट भी नहीं खाई, मैं लेके आ, ठीक है दुकान का, कद भी ले लेंगे दुकान से, ठीक है तेल ले भी ले लेंगे, बेचारा रोने लग गया। आपने 3 ली तो मैं 5 लूंगा, चिप्स के अलावा भी कुछ और खा लेकर, कुछ गंदी चीजें खाता रहेगा, और एक ग्लास भी लेना, नहीं फ्रूट्स वगैरह खाने हैं तो खा लियो। हाँ दोस्तों होटल पहुँच गए थे, बच्चों को भी घर छोड़ के आ रखे हैं, और थोड़े बहुत कस्टमर आए थे, वो भी लंच करने जा रहे हैं, लंच में चिली चिकन बनवाया है, तो उसे आता है दिखाते हैं चिली चिकन हमारे होटल में कैसा बनता है, चिली चिकन बनाए रखवाया है हमने, और साथ में रोटी खाएंगे, उसके बाद अभी थोड़ी देर बाद
लीड वगैरह लेना है और अपना घर का सामान को आते हुए लीड हो गए, इसलिए हम गए नहीं सामान लेने। तो अभी शाम के टाइम हमें फिर से जाना है मार्केट, तो फिर आपको दिखाएंगे मार्केट में क्या लेके आते हैं। एक सरप्राइज गिफ्ट भी करना है कि एक आज रात को केक कटवाना 12 बजे, उन्हें बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं होगी कि आज केक कटेगा रात को। ये हमारा चिली चिकन बन गया है, और ये हमारे साथ है अज्जू, ये हमारे यहाँ का शेफ़ है, सबसे पुराना शेफ यही है। अभी भाई से ये भैया नए आए हैं आज हमारे, और ये भी करीब 2 महीने हो गए इन्हें भी हमारे पास काम करते हुए। ये मैंने लास्ट एक वीडियो में भी दिखा रखा है इन्हें। ये हमारा आ गया है चिली चिकन, अभी आपको दिखाया था इन्होंने बना के डाला था, साथ में तंदूर रोटी एकदम ड्राई रखवाया है चिली चिकन। सब ये खाना खा के सीधा चलते हैं घर की तरफ, और बच्चों का ट्यूशन का टाइम हो रहा है, उनको ट्यूशन भी छोड़ने जाना है। चलिए फिर फिनिश करते हैं इसे। अरे नाश्ते नाश्ते क्यों आ रही हो, चलो टाइम हो गया ट्यूशन का। ये बच्चों को छोड़ दिया हम ट्यूशन। क्या चाय बन रही है, अरे घूर के क्या देख रही हो? शाम की चाय का इंतजाम हो गया है। का तू जानवर मत बन, आराम से खा ले। एक उन्नू भी और ऐसी करेगी अब। जिद्दी तो हो जाता है, मैंने जिद्दी तो हो जाता है, तू हो जाता है, तू हो जाता है, मुझे चिप्स दिला दो, चिप्स दिला दो, पीछे पड़ जाता है। अभी हम बाजार जा रहे हैं, सबसे पहले तो हमने थोड़ा घर का सामान लाना है, रात का सरप्राइज का भी इंतजाम करना है। अब समझ गए होंगे केक की बात कर रहा हूँ मैं, केक भी लेंगे। बच्चे जा रहे हैं और हम दोनों जा रहे हैं बस। हाँ तो पीछे बैठ जा, बच्चे पीछे बैठते हैं, जल्दी बैठ, इसको आगे बैठने की इतनी आदत है बस। कर लो आज लड़ाई कर लो तुम लोग, अच्छा लड़ाई कर लो तुम लोग, एक काम हो, चल पीछे बैठो, बच्चे पीछे बैठते हैं। कद्दू को निमृत को इसको प्यार से हम कद्दू बुलाते हैं, इसको आगे बैठने का शौक है, बस आगे बैठने की लगी रहती है। बीकानेर पे आ रखे हैं हम, चाट वगैरह खा रहे हैं, बच्चे लोग गोलगप्पे खा रहे हैं, मैंने पाव भाजी के लिए ऑर्डर बोला है। हमारी आगे पाव भाजी, साथ में पाव है, भाजी, सलाद, और ये है स्नेहा खा रही है चाट, टिक्की चाट। उसे फिनिश करते हैं फिर सीधा हम केक लेने चलेंगे, फिर वो देखते हैं केक की, तो हम सोच रहे हैं कि खाने वाले कम है, पेस्ट्री देख लेंगे, पेस्ट्री अगर मिलेगी सही पेस्ट्री ले लेंगे, तो पेस्ट्री काटेंगे रात को। चलिए फिर अब चलते हैं बाजार, फिर आपको मिलते हैं। हम जर्मन बेकर्स पे आ रखे हैं पेस्ट्री लेने। ये वाली लेते हैं ना, है पाइन एप्पल ले लेते हैं, कितने लेने? 6 पाइन एप्पल की पेस्ट्री पैक कर दीजिए। पाइन एप्पल की पेस्ट्री ली है हमने, कहा पेस्ट्री ले लेते हैं, पाइन एप्पल मम्मी को बहुत पसंद है, शुरू से पाइन एप्पल की पेस्ट्री ले रहे हैं, इसलिए पहले से ले लेते हैं, इसे पैक करवाते हैं। कोल्ड ड्रिंक ली है हमने, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे और उससे ठंडा पी लेते हैं, अभी खा के निकले हैं, वहाँ पे हमने कुछ लिया नहीं, एक इन्हें दे दो बच्चों को, एक हम पी लेते हैं, ज़्यादा वैसे कोल्ड ड्रिंक पीनी नहीं चाहिए, सेहत के लिए हानिकारक होती है, पर क्या करें, प्रोडक्ट बिक रहे हैं तो लोग पी रहे हैं। होटल आ गए थे हम अभी बाजार से, हमने पेस्ट्री वगैरह तो ले ली थी, हमने देखा होगा, तो बस अब खाना खाने की इच्छा नहीं, हमने पाव भाजी खा ली थी, आपने मैंने दिखाया था आपको, बीकानेर में पाव भाजी खा ली थी, उससे पेट भर गया। तो टाइम आप देख लो पीछे पहले, पौने 10 हो गए हैं, 10:15 है, तो 10 बजे हम होटल क्लोज कर देते हैं यूजली, और उससे भी आज थोड़ा काम है नहीं इतना, आजकल सावन चल रहा है, चक्कर में काम नहीं है, इसलिए जल्दी बंद कर देते हैं 10 बजे तक, नहीं तो 11 बजे तक ओपन रखते थे हम। एक टाइम ऐसा भी था जब सीज़न चलता था, यहाँ पे टूरिस्ट आता था तो डे नाइट चलता था,
24 आवर्स ओपन रहता था हमारा, एक लौता है रेस्टोरेंट है इधर आसपास के एरिया में, तो 24 आवर्स रहता है रेस्टोरेंट ओपन। और उसमें हमारे होटल में टोटल 14 रूम्स हैं, मैंने शायद पहले ब्लॉग में बताया होगा, टोटल 14 रूम्स भी हैं हमारे में, तो रूम्स लगते रहते हैं, अभी 4-5 रूम्स लग जाते हैं डेली, पर अभी जो खाने का काम है वो कम है बिल्कुल। तो बस इसलिए अब क्लोज कर रहे हैं, घर जा रहे हैं, अब घर पे मम्मी और को सरप्राइज भी देना, भी उन्हें पता नहीं हम पेस्ट्री लेके आ रखें, क्योंकि वो अंदर ही थी, हमने चुपचाप से ले जाके फ्रिज में रख दी है पेस्ट्री, तो जैसे 12 बजेंगे तो वो उनको सरप्राइज देंगे। हमने सोचा है आपसे कि हम डेली ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, अब कुछ ना कुछ लेके आएंगे थोड़ा बहुत भी, तो आपको दिखाएंगे। कल का प्लान हमारा देहरादून का है, कल हम पहले देहरादून राजपुर रोड मसूरी की तरफ जाएंगे, थोड़ा मसूरी नहीं जाएंगे मसूरी की तरफ जाएंगे, मैगी पॉइंट्स वगैरह पड़ते हैं वहाँ पे, वो देखेंगे थोड़ा एंजॉय करेंगे, फिर अपने मदर इन लॉ के घर चल जाएंगे, तो वहाँ पे भी दिन में हम केक काटेंगे, उसके बाद शाम को आके हमें थोड़ा होटल में यहीं पे पार्टी करेंगे, यहाँ केक काटेंगे। तो कल मम्मी का दिन अच्छा प्लान कर रखा हमने, कल का बर्थडे अच्छा बनाएंगे मम्मी का। दोस्तों टाइम होने वाला है, हम केक काटने जा रहे हैं, 12 बजने वाले हैं, तो हम सब जगे हुए थे, हम फटाफट चल के सरप्राइज देते हैं मम्मी को, देखते हैं क्या कर रहे हैं। यहाँ तैयारी शुरू हो गई है, इसमें वो भी है, पेस्ट्री खोल लो फटाफट, एक उल्लू जगी भी है, निमरी सो चुका है, उसे पेस्ट्री नहीं खुल रही यार, हाथों की पेस्ट्री कह रहा हूँ, अभी पेस्ट्री का डब्बा नहीं खुल रहा तुमसे, एक मिनट रह गया है और बस वो हम निकल चल फटाफट चल रहे हैं यहाँ से मम्मी के रूम में। मम्मी इस टाइम बैठी हुई है, तो पापा इस टाइम बाहर कोई आ रखा है उनसे बात कर रहे हैं, आप सोच रहे हो 12 बजे कोई मिलने आ रखा है, कुछ शायद काम है गांव का इसलिए मिलने आ रखा है, बाहर बैठे हुए हैं, फटाफट मम्मी के पास चलते हैं सरप्राइज करते हैं। चलिए चलो चलो चलो, मम्मी सो चुकी है, देखो मम्मी उठाते हैं, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, सो गए, कैसा लगा सरप्राइज? कोई ऐसे काट लो, कल मेन बर्थडे तो कल बनाएंगे बढ़िया से, कल दो दो केक काटेंगे। ये नया कैंडल लेके आ गई है, कह रही है कैंडल तो लगानी ही लगानी है, काटो चलो भी काटो, प्रूफ आ गया कद्दू। तो पापा शर्माते रहते हैं केक खिलाने में भी, सब देखा हमने कैसे सरप्राइज किया, अभी मम्मी लेटी भी थी, थोड़ा पापा बाहर गए इसलिए थोड़ा जगी भी थी, पर लेटी भी थी, नींद में थी लगभग, तो हमने एकदम से सरप्राइज किया, खुश होगी, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम केक काटेंगे, मतलब हर बार नहीं काटते हैं क्योंकि अगले दिन ही काटते हैं मेन दिन, तो आज हमने सरप्राइज किया उन्हें और उनको एक्सपेक्ट नहीं था, तो खुश होगी बहुत। और ये देखो उसने पागलबंदी करते हुए, तो अभी पापा के थोड़े जानने वाले आर के बाद उन्हें भी थोड़ा पेस्ट्री देते हैं, क्योंकि उन्हें बताया कि सबको पता है कि आज बर्थडे है मम्मी का रात को। तो चलिए फिर, अब मज़ा आया हमें, अब अभी हम केक बांटते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। कैसा लगा सरप्राइज? सो गए थे देखा, मम्मी से अभी पूछा कैसा लगा, कह रहे अच्छा लगा, बहुत खुश हो गई हैं। तो ठीक है फिर गाइस, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं हम, होप करते हैं आपको अच्छी लगी होगी हमारे आज डेली ब्लॉग बनाया, हमने सोचा आज मम्मी का बर्थडे है, इसी बार आपको एक ब्लॉग बना के देना चाहिए डेली का, तो आज ज़्यादा कुछ था नहीं करने को, पर कल हम जाएंगे देहरादून घूमने जाएंगे मम्मी को लेके साथ में, तो असली बर्थडे कल है, तो ब्लॉग देखना भूले ना मत, क्योंकि कल मेन मजा आने वाला है, कल सारे प्रेम नगर में मिलने वाले। ओके फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, फेयरवेल, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, चलो फिर सोने चलते हैं, अगले ब्लॉग में मिलते हैं, बाय।